नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपेंद्र सिंह राठौर और कृष्णा एकेडमी अजमेर की तरफ से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हमने बायोलॉजी की पिछली कक्षा के अंदर पाचन तंत्र पढ़ा था, पाचन तंत्र का दूसरा पार्ट पढ़ रहे थे। मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा। देखो तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि पहले पार्ट के अंदर, पहले तो पाचन तंत्र दो भागों में बटा हुआ था, आहार नाल और आहार ग्रंथियां। आहार नाल हमने स्टार्ट किया था, उसके अंदर सबसे पहले मुख गुहा स्टार्ट किया। मुख गुहा से भोजन जाता है, उसके बोलस कहलाता है, वो बोलस पहुंचता है ग्रसनी में। ग्रसनी में कोई पाचन नहीं होता, ग्रसनी भोजन को ले जाती है ग्रास नली में। ग्रास नली में भी कोई पाचन नहीं होता, ग्रास नली से सीधा जाता है अमाश्य में। अमाश्य में भोजन का पाचन होता है, और भोजन के कौन से वाले भाग का पाचन होता है? प्रोटीन का पाचन होता है। और अब जो भोजन निकलता है अमाश्य से, वो कहलाता है काइम। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? काइम कहलाता है। तो अब अपन को इसी से आगे पढ़ना है कि अमाश्य से निकलने के पश्चात जो काइम होता है वो कहाँ पहुंचता है? आपके पास आंत में पहुंचता है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है इस पाचन तंत्र का, वो है आपके पास आंत, मनुष्य की आंत। अब आंत जो होती है, आंत आपके पास दो प्रकार की होती है। मैंने आपको पहले ही बताया था, छोटी आंत और बड़ी आंत। और अब जो पहला पार्ट है, सबसे पहले आंत जो होती है आपके पास, आंत एक कुंडलित संरचना होती है, कुंडलित संरचना है। कुंडलित संरचना का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है? कुंडलित संरचना का मतलब होता है कि कॉइल्ड टाइप, यानी सांप की जैसे यूं आपके पास कुंडलित संरचना है। और इसकी लंबाई कितनी होती है? लेंथ आपके पास होती है 9 मीटर। कितनी लंबाई होती है आपके पास? सॉरी, आपके पास लंबाई आंत की होती है 6 मीटर से 9 मीटर के बीच में। ये आपके पास 6 से 9 के बीच में इसकी लंबाई होती है। पाचन तंत्र में सबसे बड़ी संरचना ये आपके पास आंत ही होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर से लेके 9 मीटर के बीच में। अब जो आपकी आंत होती है, ये दो प्रकार की होती है। आंत कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। सबसे पहली जो होती है वो होती है आपके पास छोटी आंत। और यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो होता है आपके पास आंतों का, छोटी आंत। छोटी आंत, स्मॉल इंस्टेंटाइन, छोटी आंत। और छोटी आंत जो होती है, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो छोटी आंत की लंबाई आपके पास होती है लगभग 6 मीटर के आसपास। 6 मीटर के आसपास लंबाई होती है। देखिए, अभी आप पढ़ोगे छोटी आंत और बड़ी आंत, दोनों में से छोटी आंत का मतलब ये नहीं है कि छोटी आंत छोटी होगी, बड़ी आंत बड़ी होगी। बिल्कुल नहीं है। छोटी आंत लंबाई में बड़ी होती है, तो बड़ी आंत चौड़ाई में बड़ी होती है, ये ध्यान रखना है। तो छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर होती है। और जो छोटी आंत होती है, इसको 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बटी हुई होती है। कौन कौन सी? सबसे पहला जो होता है वो होती है ग्रहणी। ग्रहणी को अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं ड्यूडनम। क्या बोलते हैं? ड्यूडनम, ध्यान रखना, अंग्रेजी भाषा में भी आ जाता है एग्जाम में। दूसरा होता है आपके पास अग्रशुद्रांत्र। क्या होता है? अग्रशुद्रांत्र। और अग्रशुद्रांत्र को बोलते हैं आपके पास जीजोनम। क्या बोलते हैं इसको? जीजोनम। तीसरा होता है शुद्रांत्र, शुद्रांत्र, या फिर इसको बोलते हैं शेषांत्र। और इसको अपन अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं ईलियम। बहुत ही फेमस नाम है, ध्यान रखना है, ईलियम। ठीक है ना? ईलियम ध्यान रखना है। तो छोटी आंत 3 भागों में बटी होती है, ग्रहणी, अग्रशुद्रांत और शुद्रांत। अब जो अमाश्य से काइम निकलता है, अमाश्य से जो पचा हुआ भोजन निकलता है, वो आता है सीधा ग्रहणी के अंदर। कहाँ आता है? सबसे पहले आपके पास ग्रहणी के अंदर आता है। और यहां पे आपके पास पाचन की क्रिया स्टार्ट होती है, जो अपन को पढ़नी है। तो सबसे पहले भोजन कहाँ आता है आपके पास? छोटी आंत के अंदर, ग्रहणी के अंदर आता है। तो अब अपन पढ़ते हैं कि ग्रहणी के अंदर ऐसा आखिर क्या होता है। देखो फ्रेंड्स, एक चीज ध्यान रखना, अमाश्य से जो निकला हुआ भोजन है उसके अंदर जठर रस था, जठर रस मिश्रित है। जठर रस अम्लीय प्रकृति का होता है, यानी उसने क्रिया करी है उसके ऊपर। तो अमाश्य से निकला हुआ जो भोजन है काइम, उसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। यह भी पूछा जाता है एग्जाम में, अम्लीय प्रकृति होती है। और अम्लीय भी प्रबल अम्लीय है, क्योंकि जठर रस का पीएच 1.2 से 1.8 के बीच में होता है। अब उसके बाद सबसे पहले ग्रहणी में पहुंचता है। ग्रहणी में पहुंचते ही यहां पे क्रिया स्टार्ट होती है। अब आहार ग्रंथियों की क्रिया स्टार्ट होती है। जो आहार ग्रंथियां पढ़ी थी अपन ने, जो भोजन के पाचन में सहायता करती है, उनकी क्रिया स्टार्ट होती है। जैसे ग्रहणी में पहुंचती है,
उसी समय आपके पास यकृत से एक रस का श्रावण होता है और उस रस का नाम है आपके पास पित्त रस। क्या नाम है आपके पास? पित्त रस है। वो पित्त रस आपके पास इस काइम पे क्रिया करना स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले क्रिया किसकी होती है? पित्त रस की होती है, बाइल जूस की होती है। ये पित्त रस क्या करता है इस भोजन के साथ, काइम के साथ, देखते हैं। तो अब हमारा जो अगला पोर्शन है पढ़ने के लिए वो है सबसे पहला रस जो इसके ऊपर काम करता है वो है आपका पित्त रस, जिसको अंग्रेजी भाषा में बोला जाता है बाइल जूस। अब ये पित्त रस क्या करता है देखिए और होता क्या है। सबसे पहली बात, ये पित्त रस जो होता है कहां से स्रावित होता है? यकृत द्वारा स्रावित होता है। तो पित्त रस कहां से स्रावित होता है? यकृत द्वारा स्रावित होता है। तो यकृत से स्रावित होता है, उसके बाद यानी निकलता कहां से है? ये यकृत से निकलता है। उसके बाद निकलता तो यकृत से है, लेकिन संग्रहित कहां रहता है? कलेक्ट कहां पे रहता है? स्टोर कहां पे होता है? संग्रहित कहां रहता है? तो संग्रहित रहता है आपके पास, इसका संग्रहण होता है पित्ताशय के अंदर। कहां होता है इसका संग्रहण? पित्ताशय के अंदर, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में भी ध्यान रखना है, पूछा जाता है अंग्रेजी में ज्यादा, गॉल ब्लैडर। पिछली बार राजस्थान पुलिस की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, पित्त रस का संग्रहण कहां पे होता है? पित्ताशय के अंतर्गत होता है, गॉल ब्लैडर के अंतर्गत होता है। और निकलता कहां से है? यकृत से। अब पित्त रस की प्रकृति कैसी होती है? प्रकृति इसकी होती है क्षारीय, हल्की क्षारीय। कैसी प्रकृति होती है? हल्की क्षारीय, हल्की क्षारीय। पीएच होता है इसका 7.2। कितना होता है इसका पीएच? लगभग 7.2। उसके बाद अगर मैं बात करूं रंग कैसा होता है, हल्का पीला, हल्का पीला रंग का ये आपके पास पित्त रस होता है। अब आपसे पूछे जाएंगे, बताओ इस पित्त रस के कार्य क्या है, भाई साहब पाचन में क्या कार्य करता है? और ये ही आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो अपन को ध्यान रखनी है, हमार को जो पढ़ना है वो यही पढ़ना है। देखो कॉमन बात है, यकृत द्वारा स्रावित होता है, बिल्कुल पढ़ लिया हमने। उसके बाद संग्रहण का होता है पित्ताशय में, प्रकृति कैसी है? हल्की क्षारीय। और रंग कैसा होता है? हल्का पीला। कार्य क्या होता है? देखो जो अमाशय से भोजन आता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है, काइम जो आता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। उस अम्लीय प्रकृति के भोजन को क्षारीय बनाने के लिए, क्योंकि उसको थोड़ा क्षारीय बनाना पड़ेगा, उसकी प्रकृति तगड़ी अम्लीय होती है, आगे जो रस आएगा वो इस पे क्रिया ही नहीं कर पाएगा, पाचन की क्रिया ही नहीं कर पाएगा। तो क्या करता है ये? पहला कार्य क्या है? यह क्षारीय बनाता है, यह काइम को क्या बनाता है? क्षारीय बनाता है काइम को। काइम कहने का मतलब समझना होगा आपको, अमाशय से निकला हुआ भोजन। यह काइम को क्षारीय बनाता है। क्यों बनाता है क्षारीय? क्योंकि वो तगड़ी अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना है। दूसरा कार्य क्या है कि भोजन में उपस्थित दो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, उनको नष्ट करता है। यानी भोजन के सूक्ष्म जीवों को क्या करता है? नष्ट करता है। सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है, सूक्ष्म जीवों को क्या करता है? नष्ट करता है। उसके बाद आगे इसके बाद जो रस आएगा वो मैं बताऊंगा आपको, अग्नाशयी रस आएगा। और आपके पास अग्नाशयी रस में एक एंजाइम पाई जाती है लाइपेज, वो दोनों क्या होती है? अक्रिय होते हैं। अग्नाशयी रस भी अक्रिय होता है, मतलब उसको प्रेरणा देता है कि अग्नाशयी रस को बोलता है कि तू इसका पाचन कर भोजन का। तो अग्नाशयी रस को पाचन करने के लिए प्रेरित कौन करता है आपके पास? पित्त रस। यानी यह अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस जो होगा आगे बताऊंगा मैं आपको, अग्नाशयी रस व निष्क्रिय लाइपेज को, अभी आगे बताऊंगा लाइपेज क्या है, लाइपेज को सक्रिय करता है। निष्क्रिय लाइपेज को क्या करता है? सक्रिय करता है। तो ये आपके पास पित्त रस के क्या होते हैं? कार्य होते हैं। क्या बोला मैंने? पित्त रस यकृत द्वारा स्रावित होता है, बिल्कुल आपके पास। संग्रहण का होता है गॉल ब्लैडर में, पित्ताशय में। प्रकृति कैसी होती है? हल्की क्षारीय। रंग कैसा होता है? हल्का पीला। कार्य क्या होता है? काइम को क्षारीय बनाता है और सूक्ष्म जीवों को क्या करता है? नष्ट। अग्नाशयी रस व निष्क्रिय लाइपेज को क्या करता है? ये सक्रिय करता है। पित्त रस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको पूछी जा सकती है, पित्त रस में कोई भी एंजाइम नहीं
पाया जाता है। इसका मतलब ये भोजन का पाचन नहीं करता, ये सिर्फ भोजन को क्षारीय बनाता है। क्या बनाता है? भोजन को सिर्फ और सिर्फ क्या बनाता है? क्षारीय बनाता है। पित्त रस आपके पास कभी भी भोजन का पाचन नहीं करता है, ये ध्यान रख। अच्छा, एक कार्य और है जो अपन भूल गए, वो भी ध्यान रखना आप, कि यह भोजन में उपस्थित वसा का जल के साथ इमल्शन बनाने में, सहायता करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखना। ये इमल्शन क्या होता है, ये केमिस्ट्री में अपन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ ध्यान रखना, ये भोजन में उपस्थित जो वसा होती है उसका जल के साथ क्या बनाता है? इमल्शन बनाता है, उसमें ये सहायता करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये अपन को ध्यान रखना है। अब आप एक चीज और ध्यान रखना, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि आपसे पूछ ले कि पित्त रस में, इसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाई जाती है, इसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाई जाती, कोई भी एंजाइम नहीं पाई जाती, अतः ये भोजन का पाचन नहीं कर पाता। एंजाइम नहीं पाई जाती है, भोजन का पाचन ये कभी नहीं कर पाएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मेरे हिसाब से बात आपको कहानी समझ में आई होगी कि पित्त रस का काइम के ऊपर कार्य क्या होता है। चलिए अब देखिए, गृहिणी में सबसे पहले आके पित्तरस मिला, इसने भोजन को हल्का अम्लीय था उसको थोड़ा सा क्षारीय कर दिया। अब आपके पास दूसरा जो पार्ट है, अब जैसे पित्तरस की क्रिया समाप्त होती है वैसे अग्नाशय ग्रंथि से एक और रस निकलता है और उस रस का नाम है अग्नाशयी रस। अब अग्नाशयी रस क्या करता है उसके बारे में अपन को चर्चा करनी है। तो अब जो दूसरा रस आता है वो आता है आपके पास अग्नाशयी रस। तो दूसरा रस पढ़ते हैं अपन, अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस इंग्लिश में बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस। अब अग्नाशयी रस आपके पास क्या करता है, देखिए, गृहिणी के अंदर अग्नाशयी रस आकर कई सारी चीजें करता है। सबसे पहले पित्तरस तो इसको थोड़ा सा हल्का क्षारीय बना दिया। अच्छा, इसके बारे में भी थोड़ी सी नॉर्मल अपन जानकारी ले लेते हैं, किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, यह है अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। आपसे पूछ ले, प्रकृति, प्रकृति होती है हल्की क्षारीय, पीएच कितना होता है, पीएच होता है 7.8 से 8.4 तक। ठीक है, ये इसका पीएच होता है। अब सुनना ध्यान से फ्रेंड्स, अग्नाशय रस का भी हल्का क्षारीय होता है। अब पित्त रस ने भोजन को थोड़ा सा क्षारीय बना दिया, अग्नाशय रस भी इसको थोड़ा सा और क्षारीय बनाएगा, लेकिन अग्नाशय रस के अंतर्गत कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। कुछ क्या? आपके पास अग्नाशय रस के अंदर भोजन के तीनों पार्ट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फिर वसा, तीनों को पचाने के लिए संपूर्ण एंजाइम पाए जाते हैं। इसीलिए इस अग्नाशय रस को अपन बोलते हैं पूर्ण पाचक रस, कंप्लीट डाइजेबल जूस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अग्नाशय रस के अंतर्गत भोजन को पचाने के लिए, तीनों पार्ट को पचाने के लिए, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, सबको पचाने के लिए एंजाइम उपस्थित है, इसलिए इसको बोलते हैं पूर्ण पाचक रस। तो देखो क्या होता है कि अग्नाशय रस जो होता है इसमें क्या होता है कि 98% तो होता है जल, 98% तो होता है जल, और आपके पास 2% क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। तो 98% तो जल होता है और 2% क्या होते हैं आपके पास, एंजाइम होते हैं, और इस 2% एंजाइम में सारे एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन को पचा सके। अब कौन कौन से एंजाइम होते हैं वो तो मैं बताता हूं आपको, इंपॉर्टेंट है, ध्यान भी रखना है आपको। देखो कौन कौन से, सबसे पहला 2% एंजाइम कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है माल्टेज
एक तो होता है आपके पास माल्टेज और होता है एमाइलेज। माल्टेज और एमाइलेज ये आपके पास किसका पाचन करते हैं? ये पाचन करते हैं कार्बोहाइड्रेट का। किसका पाचन करते हैं आपके पास? कार्बोहाइड्रेट का, बहुत इंपॉर्टेंट है। माल्टेज और एमाइलेज किसका पाचन करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का। एक और एंजाइम पाई जाती है ट्रिप्सिन, जिसको बोलते हैं अपन, और ट्रिप्सिन आपके पास क्या करता है? ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। उसके बाद तीसरी एंजाइम होती है एक और, लाइपेज। लाइपेज क्या करता है आपके पास? लाइपेज वसा का पाचन करता है। किसका पाचन करता है आपके पास? वसा का। और एक एंजाइम और पाई जाती है कार्बोक्सी, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, पेप्टिडेज, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, ये एक और एंजाइम पाई जाती है जो इन सब की क्या करती है? सहायता करती है। तो क्या बोला मैंने, अग्नाशयी रस के अंतर्गत 98% तो जल होता है और 2% एंजाइम होते हैं। सबसे पहली एंजाइम माल्टेज और एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, लाइपेज वसा का पाचन करता है, और कार्बोक्सी पेप्टिडेज आपके पास क्या करता है? इनकी सहायता करता है। ये आपके पास अग्नाशयी रस है। मैंने क्या बोला आपको अग्नाशयी रस के बारे में क्या ध्यान रखना है कि भाई इसमें भोजन के तीनों भागों को, इसमें भोजन के तीनों भाग जो होते हैं, भोजन के तीनों भाग कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, इन तीनों को पचाने के लिए क्या पाए जाते हैं? पूरे एंजाइम पाए जाते हैं। पचाने के लिए संपूर्ण एंजाइम पाए जाते हैं, संपूर्ण एंजाइम पाए जाते हैं। इसीलिए इस रस को अपन क्या बोलते हैं? इस रस को बोला जाता है पूर्ण पाचक रस, कंप्लीट डाइजेबल जूस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पित्त रस ने उसको हल्का क्षारीय बनाया काइम को। अब काइम की क्रिया अग्नाशय रस से होती है, यह है अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, इसकी प्रकृति हल्की क्षारीय होती है। उसके बाद इसमें 98% जल और 2% एंजाइम पाया जाता है। सारे एंजाइम बताए मैंने आपको, और भोजन के तीनों भागों को पचाने के लिए इसमें आपके पास एंजाइम पाए जाते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं पूर्ण पाचक रस। अब इतनी बात आपको समझ में आई, अग्नाशय रस आपके पास इस भोजन का पाचन कर देता है लेकिन संपूर्ण पाचन नहीं होता। अब आपके पास भोजन क्या होता है? ग्रहणी से प्रवेश करता है अग्र सुद्रांत में, जिसका जो भोजन पचित हो जाता है वो आपके पास, मतलब भोजन का पूरा पाचन यहाँ पे नहीं होता। तो अब भोजन जो है वो अग्र सुद्रांत के पास जाता है, अग्र सुद्रांत के अंदर कोई क्रिया नहीं होती, भोजन अग्र सुद्रांत से सीधा जाता है आपके पास शेषांत्र यानी ईलियम के पास। पहले ड्यूडोनम में था, ड्यूडोनम से जीजोनम जाएगा, जीजोनम में कोई क्रिया नहीं होती, जीजोनम से अब लास्ट जाएगा ईलियम के अंदर यानी शेषांत्र यानी शुद्रांत के अंदर, और शुद्रांत्र के अंदर फिर से अब एक और क्रिया होती है, वो अपन को पढ़नी है। तो आपको पहले ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आपके पास जो अब पहुंचता है भोजन आपके पास अग्र शुद्रांत से, तीसरा जो आता है शेषांत्र के पास पहुंचता है। अब देखिए फ्रेंड्स, शेषांत्र के पास जब पहुंचता है तो क्या होता है? शेषांत्र के पास ईलियम के पास पहुंचने पे वहां पे एक रस पहले से इंतजार कर रहा होता है, और उस रस का नाम होता है अंतर रस। कौन सा रस होता है? तीसरा रस जो इस भोजन के पाचन में काम आता है वो होता है आपके पास आंत्र रस। और ये आंत्र रस क्या होता है? आंत्र रस आपके पास अब जो भी भोजन बचा हुआ होगा उसका क्या कर देगा? संपूर्ण पाचन कर देगा। कॉमन जानकारी देखते हैं आंतरस के बारे में क्या होती है। देखो आंतरस जो होता है ये भी हल्का क्षारीय द्रव है, हल्का क्षारीय द्रव है। हल्का क्षारीय मतलब आपके पास इसका पीएच होता है, हल्का क्षारीय मतलब इसका पीएच होता है लगभग 8 के आसपास। कितना होता है आपके पास पीएच? इसका 8 के आसपास इसका पीएच होता है। नेक्स्ट आपके पास एक चीज आपसे और पूछ ले कि भाई आंतरस जो होता है वो आंतरस तो हल्का क्षारीय होता है और इसका पीएच कितना होता है आपके पास? 8 होता है। आंतरस के अंदर क्या होता है आपके पास? कलर पूछ ले आपसे कि भाई रंग पूछ लो, तो रंग बोलोगे आप पीला होता है थोड़ा सा। अब उसके बाद में आपसे पूछ ले कि आंतरस के अंतर्गत कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो इसमें एंजाइम पाए जाते हैं
और वो एंजाइम इस भोजन का क्या कर देते हैं, पाचन कर देते हैं। अब कौन कौन से एंजाइम होते हैं ध्यान से सुनिएगा, देखिए संपूर्ण पाचन यहीं पे होता है भोजन का पूरा, तो कौन कौन से एंजाइम होते हैं बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला मैं बता रहा हूं आपको, पहला जो होता है वो होता है आपके पास इरेप्सिन, ये इरेप्सिन पहला है। इरेप्सिन क्या करता है, इरेप्सिन आपके पास जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। प्रोटीन को किस में बदलता है, पेप्टोन में। ये जटिल अणु होते हैं प्रोटीन के, उनको सरल अणु पेप्टोन श्रृंखला में छोटे अणुओं में बदलता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। उसके बाद आपके पास क्या होता है, नेक्स्ट होता है माल्टेज, एक एंजाइम और होता है माल्टेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे आते हैं पटवारी के पेपर में, रीट के पेपर में। माल्टेज क्या करता है, ये जो माल्टोज होता है भोजन का, जो माल्टोज पाया जाता है उस माल्टोज को आपके पास ग्लूकोज शर्करा में परिवर्तित करता है, यानी ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। माल्टोज को किस में परिवर्तित करता है, ग्लूकोज में, ये जो भोजन के पार्ट चल रहे हैं सारे। उसके बाद तीसरा होता है आपके पास सुक्रेज, और सुक्रेज एंजाइम क्या करती है, सुक्रेज एंजाइम आपके पास ग्लूकोज को किस में चेंज करती है, फ्रक्टोज में चेंज करती है। आपके पास सुक्रेज जो होती है वो आपके पास सुक्रोज को, ये जो सुक्रोज होता है आपके पास, सुक्रोज शर्करा होती है, शक्कर अपन जो भोजन लेते हैं ना उसका पार्ट होती है माल्टोज, सुक्रोज ये शर्करा होती है, शक्कर होती है ना, जो भी भोजन खाते हैं उसमें शक्कर पाई जाती है। इन बड़ी शक्कर के अणुओं को छोटे अणुओं में परिवर्तित करती है, कौन कौन से, एक तो होता है ग्लूकोज और एक होता है आपके पास फ्रक्टोज, तो ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित करती है। तो सुक्रेज क्या होता है, सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित करता है। इसी के बाद आपके पास क्या आता है, लैक्टेज, लैक्टेज एक एंजाइम और होती है, और लैक्टेज जो होती है वो क्या करता है आपके पास, लैक्टोज जो होता है, लैक्टेज क्या करती है, लैक्टोज जो होता है इस लैक्टोज को ग्लूकोज एवं आपके पास, लैक्टेज जो होती है वो आपके पास ग्लूकोज एवं लैक्टोज में परिवर्तित करती है, ग्लूकोज एवं लैक्टोज में परिवर्तित करती है, ये आपके पास हमें ध्यान रखना है। तो ये लैक्टेज एंजाइम होती है। एक लास्ट और होती है आपके पास लाइपेज, जो मैंने अभी बताई थी आपको, ये लाइपेज क्या करती है, ये लाइपेज आपके पास जो वसा होती है भोजन की, उस वसा को किस में बदलती है, वसा को आपके पास, वसा को बदलती है ग्लिसरीन के अंदर, आपके पास किसमें बदलती है, ग्लिसरीन के अंदर, वसा को बदलती है ग्लिसरीन के अंदर और आपके पास वसीय अम्लों के अंदर, ग्लिसरीन एवं वसीय अम्ल, फैटी एसिड, ग्लिसरीन एवं वसीय अम्लों के अंदर बदलती है। तो ये आंतरस होता है, हल्का क्षारीय द्रव होता है, रंग होता है पीला, इसमें एंजाइम पाए जाते हैं, ये सारे एंजाइम है, इरेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है, सुक्रेज सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में बदलता है, लैक्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज एवं लैक्टोज में बदलता है, और आपके पास लाइपेज वसा को ग्लिसरीन एवं वसीय अम्लों में बदलता है। आपको ये याद ही रखनी है, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। एक इस प्रकार यहाँ छोटी आंत के अंदर जो ईलियम वाला पोर्शन होता है उसके अंदर ये पाचन की प्रक्रिया क्या हो जाती है, आपके पास पूरी हो जाती है। अब देखो क्या होता है फ्रेंड्स, ये तीनों रस मैंने पढ़ाए आपको, तीनों के क्या बता दिए मैंने आपको, कार्य। अब जो आपके पास छोटी आंत के अंदर भोजन पच गया, अब जो अपचित भोजन रह गया, यानी जो बिना पचा हुआ भोजन रह गया, थोड़ा बहुत बिना पचा हुआ भोजन रह गया, वो आपके पास कहाँ जाता है, वो भोजन जाता है आपके पास बड़ी आंत के अंदर, और फिर अपचित भोजन बड़ी आंत में जाता है, बड़ी आंत उस भोजन को थोड़ी देर स्टोर करके रखती है, संग्रहित करके रखती है, उसमें से जल का अवशोषण कर लेती है, खनिज लवणों का अवशोषण कर लेती है, और जो बाकी अपशिष्ट होता है वो हमारे आपके पास मल द्वार द्वारा, यानी हमारे उत्सर्जी तंत्र द्वारा शरीर से कहाँ निकाल दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये आपके पास पाचन तंत्र होता है आपका पूरा का पूरा, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब देखिए फ्रेंड, इसके बाद में अपन कुछ इंपॉर्टेंट बात और करते हैं इन तीन रस से संबंधित, उसके बाद बड़ी आंत पे बाद में आएंगे। अभी देखो अब अपन कुछ इंपॉर्टेंट बात और करते हैं, नोट करके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं, ये नोट करके। पहला पॉइंट क्या है, क्वेश्चन पूछा आता है कि पित्त रस जो होता है एक दिन में कितना पित्त रस स्रावित होता है, तो एक दिन में
लगभग 700 ml से 1000 ml पित्त रस स्रावित होता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना है हमें। दूसरा पॉइंट कि पित्त रस का वर्णक कौन होता है। पित्त रस के वर्णक यानी पित्त रस का रंग पीला होता है वो किसके कारण होता है, कौन से, जैसे हमारा रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, पित्त रस का रंग पीला किसके कारण होता है, पूछा जाता है प्रश्न। दो प्रकार के वर्णक होते हैं, एक तो होता है, सुना आपको आपने बिलीरुबिन, एक तो होता है बिलीरुबिन और एक होता है बिलवर्डिन। तो एक तो होता है बिलीरुबिन और एक होता है आपके पास बिलवर्डिन। अब देखिए फ्रेंड्स तीसरा क्वेश्चन कि एक दिन में आंत रस कितना स्रावित होता है। तो एक दिन में लगभग 2 से 3 लीटर आंत रस स्रावित होता है, आंत हमारे शरीर के अंदर आंत रस स्रावित होता है। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पित्त रस कितना स्रावित होता है एक दिन में, लगभग 700 ml से 1000 ml तक। उसके बाद पित्त रस के वर्णक कौन है, बिलिरुबिन और बिलवर्डिन, और एक दिन में लगभग आपके पास कितना पित्त रस स्रावित होता है, 2 से 3 लीटर आपके पास, सॉरी, आंत रस स्रावित होता है। तो क्या बोला मैंने, वापस सुनना। पाचन तंत्र, सबसे पहला भाग पाचन तंत्र का था आहार नाल, मुख गुहा के अंदर, पहले हमने भोजन रखा मुख गुहा के अंदर, मुख गुहा के अंदर भोजन की क्रिया स्टार्ट होती है और उसके बाद दांत और जीभ क्रिया करते हैं, मुख गुहा से भोजन जाता है आपके पास ग्रसनी के पास, ग्रसनी उस भोजन को ले जाती है ग्रास नली के पास, ग्रास नली से आपके पास भोजन जाता है आमाशय के पास, आमाशय से भोजन पहुंचता आंत में, और आंत में सबसे पहले कहां पहुंचता है, छोटी आंत के अंदर। और आज हमने छोटी आंत के बारे में पढ़ा, छोटी आंत में सबसे पहले भोजन पहुंचता है ग्रहणी के अंदर, ग्रहणी में भोजन पहुंचता है जहां पे सबसे पहले कौन सा रस आके मिलता है, पित्त रस आके मिलता है, पित्त रस की क्रिया बताई। उसके बाद आता है अग्नाशय रस, अग्नाशय रस में एंजाइम पाए जाते हैं सारे भोजन को पचाने के लिए, इसलिए इसको पूर्ण पाचक रस बोलते हैं। उसके बाद आता है अंत्र रस, ठीक है फ्रेंड्स, अंत, फिर भोजन पहुंचता है अग्रशुद्रांत से शुद्रांत में, जहां पे किसकी क्रिया होती है, आपके पास आंत्र रस की क्रिया होती है, और ये मैंने आपको आंत्र रस की क्रिया बताई। अब ये भोजन आपके पास छोटी आंत में पहुंच गया और छोटी आंत के अंतर्गत ये पूरा काम आपका हो गया, भोजन का संपूर्ण पाचन छोटी आंत में संपन्न होता है, ये ध्यान रखना, पूछा जाता है कांस्टेबल पटवारी में क्वेश्चन, संपूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। अब उसके बाद जो भोजन है वो जाएगा आपके पास कहाँ पे, बड़ी आंत के अंदर, और उसके बाद हमारा पाचन तंत्र का दूसरा भाग भी है आहार ग्रंथियां। तो पाचन आपके यहाँ बड़ी आंत और आहार ग्रंथियां और इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो बसते हैं वो अपन अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, आप इसको करिएगा, अगली वीडियो इस टॉपिक की हमारी लास्ट वीडियो होगी जिसके अंदर ये पाचन तंत्र पूरा समाप्त हो जाएगा, कहीं से भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।